गुड इवनिंग सभी को। हाँ आवाज आ रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, उसकी वजह से लेट हो गए आज, सॉरी। लेट स्टार्ट हुई अपन। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को राम राम। सब अच्छे होंगे? राम राम। सुमित कुमार, आशीष, पंकज, नवाब, श्याम, ईशा चौधरी, वेरी गुड वेरी गुड। सभी आ जाइए, जल्दी स्टार्ट करते हैं अपन। आज की जो क्लास है इम्पोर्टेंट क्लास है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो सीरीज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी सीरीज आ रही है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है आपके लिए। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कौन से भी स्टेट का एग्जाम हो, वो एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आनंदिता गुड इवनिंग सभी को। देखो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, आप आंसर दोगे, जल्दी से जल्दी आंसर आने चाहिए सभी के। तो क्या है पोस्ट कॉर्प? ठीक है, सिद्धांत के विकास में जो लुथर गुलिक के जो सहयोगी थे वो कौन थे? लुथर गुलिक के सहयोगी बताने आपको, तो लुथर गुलिक के जो सहयोगी थे वो थे एल उर्विक। कौन थे साथियों? एल उर्विक। दोस्तों ये पोस्ट कॉर्ब जो शब्द दिया है, और देने वाले जो कौन थे? एल उर्विक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, लुथर गुलिक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम दिया? पोस्ट कार्ब नाम दिया। और यह पोस्ट कार्बन नाम कब दिया? 1937 में दिया। कब दिया? 1937 में पोस्ट कार्बन नाम दिया एल ओर्विक और लूथर गुलिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसको याद रख लेना आप। अगर बात करें आपसे कि मैनेजमेंट के जो कार्य हैं वो किसने दिए, तो मैनेजमेंट के अगर कार्य या वर्क की बात की जाए, तो हेनरी फियोल ने, किसने दोस्तों? हेनरी फियोल ने दिए कार्य। ठीक है, और पोस्ट कार्ड शब्द नाम जिसमें आर और बी दो ये बढ़ा दिए थे, किसने? एल उर्विक और लूथर गुलिक ने। और पूरा नाम क्या हो गया? पोस्ट कोर्ब 1937 में। एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक की संख्या कम है आपके सामने। और यहां पर एक और चीज बता देता हूं आपके लिए, जो सिद्धांत दिए थे मैनेजमेंट के वो किसने दिए थे? वो भी हेनरी फियोल ने दिए थे। और कब दिए थे? 1916 में दिए थे। कब दिए थे साथियों? 1916 में दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन्फ्लिमिनेट संक्षिप्त अक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए, इन्फ्लिमिनेट की आपको फुल फॉर्म बतानी, इन्फ्लिमिनेट की फुल फॉर्म क्या है? तो इन्फ्लिमिनेट की फुल फॉर्म है दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अरे बात करूंगा साथियों, देखो इन्फ्लिमिनेट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? मार्च 1991 में इन्फ्लिमिनेट की स्थापना हो गई थी। और स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? गुजरात में हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसका जो मुख्यालय है, और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर गुजरात में।
कहां पर साथियों? गांधीनगर गुजरात में मुख्यालय स्थित है किसका? इंफ्लिबीनेट का। और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन पर नेटवर्क है दोस्तों, ये किस प्रकार का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है साथियों, ठीक है। और अगर आपसे पूछा कि शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क कौन सा है, तो कौन सा है? इंफ्लिबीनेट। तो ये दोस्तों शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क भी है। किस प्रकार का? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क भी है। किस प्रकार का नेटवर्क है? शैक्षणिक प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है। देखो विद्या मित्र शोध गंगा, विद्या मित्र शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री, ये सब क्या है? इसके कंसोर्टियम है दोस्तों, स्वयं प्रभा एनलिस्ट सब इसके क्या है दोस्तों? इसके प्रोग्राम है, ये याद रख लेना। विद्या मित्र शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा शोध सिंधु, ये भी याद रखना है आपको, शोध सिंधु, ठीक है। ये किससे संबंधित है? इंफ्लिबीनेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंफ्लिबीनेट से संबंधित है। और आगे मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट संक्षिप्त अक्षर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एन लिस्ट की आपको फुल फॉर्म बतानी है यहां पर। तो यहां पर दोस्तों अगर पूछा जाए कि एन लिस्ट क्या है, तो ये दोस्तों कंसोर्टिया है। क्या है? कंसोर्टिया है एन लिस्ट, यानी कंसोर्टिया है एन लिस्ट। क्या है? कंसोर्टिया है। और आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या हो जाती है? नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट। इसकी क्या हो जाती है फुल फॉर्म? किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? एन लिस्ट की फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, ये याद रख लेना आप, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं साथियों, अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, ब्रिटिश पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता कौन है? ओपन एक्सेस सिस्टम, ठीक है, बताइए। हिंदी में बोलते हैं खुली प्रणाली, खुली ओपन खुली प्रवेश प्रणाली। क्या बोलते हैं? खुली प्रवेश प्रणाली। खुली प्रवेश प्रणाली, ठीक है। और यहां पर ये पूछ रहा है ब्रिटिश पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता, ओपन एक्सेस सिस्टम के जन्मदाता कौन है दोस्तों? जेम डफ ब्राउन, शॉर्टकट में जेडी ब्राउन भी बोला जाता है। और ओपन एक्सेस सिस्टम का जो जेडी ब्राउन ने क्या किया था दोस्तों? प्रयोग, और कब शुरुआत की थी? 1983 में ब्रिटेन में शुरुआत कर दी थी ओपन एक्सेस सिस्टम की। कब शुरुआत कर दी थी? 1983 में इस जेम डब ब्राउन द्वारा ओपन एक्सेस सिस्टम की क्या कर दी? शुरुआत। इसलिए जन्मदाता कौन है? जेम डब ब्राउन इसके क्या है दोस्तों? जन्मदाता हैं। और बात करें इंडिया की, मैं बात करता हूं भारत की, बात करता हूं भारत में शुरुआत करने वाले कौन थे? बोर्डन थे दोस्तों। कौन थे? शुरुआत करने वाले बोर्डन। और बोर्डन ने कहां पर शुरुआत की ओपन एक्सेस सिस्टम की? बड़ौदा में। और बड़ौदा में शुरुआत कब की दोस्तों? 1910-11 में क्या कर दी? शुरुआत कर दी। ओपन एक्सेस सिस्टम के लिए कौन सा नियम पालन करता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का? तो तीसरा नियम पालन करता है दोस्तों। कौन सा नियम पालन करता है? तीसरा नियम पालन करता है, ठीक है। पांच सूत्रों का जो हुआ था दोस्तों पब्लिकेशन 1931 में हुआ था, और माला के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किए गए। पांच सूत्र किसके द्वारा दिए गए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिए गए। आगे मैं बात करूंगा साथियों, प्रबंधन के शास्त्रीय विद्यालय यानी क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट के जनक किसे माना जाता है? सभी के आंसर आने चाहिए। एक बार लाइक कर दीजिए साथियों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। बताइए शास्त्रीय विद्यालय क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट के जो जनक है वो किसे मानते हैं?
बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए दोस्तों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेनरी फ्यूल, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके जो जनक हैं वो कौन है, हेनरी फ्यूल। कौन है, हेनरी फ्यूल। अगर सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की पूछे, किसकी पूछे, सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसके जो जनक कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर इसके क्या है दोस्तों, जनक है दोस्तों। एफ डब्ल्यू टेलर इसके जनक हैं। हेनरी फ्यूल तो सिस्टम, हेनरी फ्यूल तो क्लासिकल स्कूल मैनेजमेंट के और सिस्टम स्कूल मैनेजमेंट के एफ डब्ल्यू टेलर है दोस्तों। कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भी कौन है, हेनरी फ्यूल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो जनक है वो भी कौन है, हेनरी फ्यूल। ये जो लिखी थी पुस्तक 1913 में लिखी थी, कब लिखी थी, सन 1913 में लिखी थी दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा, अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल जो शब्द किसके द्वारा यूज किया गया था, तो यूज करने वाले थे दोस्तों केल्विन मूवर्स। केल्विन मूवर्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों। और सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, सूचना पुनः प्राप्ति, सूचना पुनः प्राप्ति जो यूज किया गया था, जो प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था 1950, ठीक है, 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, ISSN का पूरा नाम है, ISSN का पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो ISSN का जो पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो ये ऑप्शन गलत, ये गलत, ये गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट, जिसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और ये कितने अंकों का होता है साथियों, 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है, 8 अंकों का होता है। ISSN की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाती है आपसे, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बताना है। और किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, निस्केयर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा, निस्केयर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और निस्केयर कब अस्तित्व में आया, 2002 में, ठीक है, कब आया, 2002 में अस्तित्व में आया। अगली मैं बात करूंगा, अगले क्वेश्चन की, प्लानर, प्लानर जो कार्यक्रम है वो किस संस्था का है। प्लानर का जो कार्यक्रम है, जो प्लानर जो कार्यक्रम है वो किस संस्था द्वारा प्रायोजित किया जाता है, तो डेल नेट के द्वारा नहीं किया जाता, कैलिब्रेट नहीं किया जाता, एग्रीनेट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्लिबीनेट। इन्फ्लिबीनेट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथ के साथ बोला करो दोस्तों, याद किया करो, बार बार बोलने से चीजें याद होती हैं। इन्फ्लिबीनेट, और इन्फ्लिबीनेट की स्थापना मैंने बता दी थी मार्च 1991 में, और इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में क्या है, मुख्यालय स्थित है। गांधीनगर गुजरात में क्या है दोस्तों, मुख्यालय स्थित है। डेल नेट की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी, और कैलिबनेट की स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों। डेल नेट की स्थापना 1988 में हुई थी, कब हुई थी, 1988 में हुई थी। कैलिबनेट की स्थापना 1986 में हुई थी, ठीक है। तो प्लानर किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, इन्फ्लिबीनेट के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, आयोजित किया जाता है। अगली मैं अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इंडेस्ट में निम्न से क्या है, तो इंडेस्ट क्या है, एक प्रकार का कंसोर्टियम है दोस्तों। क्या है, कंसोर्टियम। साथ के साथ बोलो, इंडेस्ट क्या है, कंसोर्टियम क्या है दोस्तों, कंसोर्टियम है। तो बिल्कुल सही आंसर लगा देना है आपको, कंसोर्टियम। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, शब्दकोश सूची के लिए
नियम, रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग किसके द्वारा तैयार किया गया? साथियों जल्दी से जल्दी बताइए, रूल्स ऑफ डिक्शनरी बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। तो रूल्स ऑफ डिक्शनरी जो देने वाले थे वो कौन थे साथियों? सीए कट्टर। कौन थे? सीए कट्टर थे। और सीए कट्टर द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दी थी, यानी ईसी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में दी थी। कब दी थी? 1891 में। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सीसी की रचना की थी। सीसी की रचना 1933 में की थी कोलन क्लासिफिकेशन की। और 7 संस्करण दिए थे। कितने संस्करण? 7 संस्करण दिए थे कोलन क्लासिफिकेशन के। 7 संस्करण भी याद रख लो दोस्तों। पहला 1933, दूसरा 39, 50, 52, 557, छठा 1960 और छठे का रिवाइज 1963, सातवां 1987 में। याद रख लोगे? आगे बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है फर्मिंगटन योजना। दोस्तों बताइए, ये आपके लिए बहुत बार करा दिया गया है एक जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, इसके इसका आंसर देना अनिवार्य है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्मिंगटन प्लान का? तो फर्मिंगटन प्लान का मतलब दोस्तों किससे संबंधित है? लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से। यानी बात करें संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता, संसाधन सहभागिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसाधन सहभागिता से संबंधित है। इसका दोस्तों जो फर्मिंगटन जो प्लान आया, ये आया 1948 में। कब आया? 1948 में आया था फर्मिंगटन प्लान। कब आया? 1948 में। और किससे संबंधित है? संसाधन सहभागिता से संबंधित है। और संसाधन सहभागिता का अर्थ होता है कि लाइब्रेरी में संसाधनों का क्या होना? आदान प्रदान होना। वही क्या कहलाता है? संसाधन सहभागिता। यानी एक लाइब्रेरी पाठक की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकती है, क्योंकि पूरे सामान एक ही पुस्तकालय, पुस्तक एक ही पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं हो सकती। तो पुस्तकालय में आदान प्रदान चलता रहता है, वही क्या होता है? संसाधनों का सहभागिता। 1948 में फर्मिंगटन प्लान आया। अगले जो क्वेश्चन की बात करूंगा, अगला जो क्वेश्चन है प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर। ठीक है, दो कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफर क्या होता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा साथियों, और अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने पुस्तकालय अधिनियम निम्न से किसके विकास से संबंधित है? बताइए जो लाइब्रेरी जो अधिनियम है वो किससे किसके विकास से संबंधित है? तो किसके विकास से संबंधित है साथियों? स्पेशल लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से, सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास से संबंधित है। अगर आपको बता दूं, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पहला सार्वजनिक पुस्तकालय जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। कहां हुआ था साथियों? ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और भारत की बात करूं, भारत में जो हुआ था दोस्तों स्वतंत्रता से पहले, तो वो हुआ था दोस्तों कोल्हापुर में। कहां हुआ था? कोल्हापुर में। वो कोल्हापुर में 1945 में हुआ था स्वतंत्रता से पहले। और बात करूं स्वतंत्रता के बाद जो पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है साथियों, वो हुआ है मद्रास में। कहां हुआ है? मद्रास में 1948 में। और अंतिम कहां हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कब हुआ है? 2009 में। कितने अधिनियम पारित हो चुके हैं? 19 अधिनियम पारित हो चुके हैं। कितने? 19 अधिनियम पारित हो चुके हैं साथियों। कितने? 19 अधिनियम। और अधिनियम का जो पालन है वो कौन सा सूत्र करता है साथियों? दूसरा सूत्र पालन करता है। कौन सा सूत्र पालन करता है? दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र अंधों के लिए भी पालन करता है। अंधों के लिए कौन सा सूत्र है साथियों? दूसरा सूत्र पालन करता है।
बिहार अधिनियम कब पारित किया गया, 2008 में, और राजस्थान की बात करूं, राजस्थान 2006 में दोस्तों, ठीक है। आगे बात करूंगा अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन आता है सुश्री मार्गेट मान इनमें से किससे संबंधित है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए सभी, कमेंट करके लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक की संख्या कम है। तो साथियों यहां पर इसका ये भी राइट नहीं होगा, ये भी राइट नहीं होगा, ये भी राइट नहीं होगा। राइट कौन सा है, एएसीआर पृष्ठ के निर्माण से कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग सुश्री मार्गेट मान का अगर आपसे संबंध पूछा जाए तो किसे कैटलॉगिंग, और कैटलॉगिंग एएसीआर वन। जिन्होंने आंसर बताया उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, और आप सेलेक्ट हो गए एग्जाम में, बहुत ही टफ क्वेश्चन था और अच्छे से बताया आप लोगों ने, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। यहां पर एएसीआर फर्स्ट कब आया था, 1967 में, और टू की बात करूंगा 1978 में, और यह संशोधित हुआ था 1988 में, ठीक है। और सीसी कब आई थी दोस्तों, ट्रिपल सी 1934 में, और रचयिता रंगनाथन, रंगनाथन डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अरे आनंदिता तुक्का उक्का मत लगाना लाइब्रेरी में, ये ऐसा सब्जेक्ट है यार, तुक्का लगाते हो तो खुद तुक्के हो जाते हैं, ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना है आपको, पूरी चीजें याद रखनी है साथियों, एक एक ऑप्शन पूरा खोल के बता रहा हूं आपके लिए, हर चीज डिटेल से बता रहा हूं, तो पेपर फाड़ना है तरीके से आपको, अच्छे से पेपर करना है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, सीसी में सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होते हैं, बताइए। कोलन क्लासिफिकेशन सीसी की फुल फॉर्म कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में रंगनाथन के द्वारा 7 एडिशन आए थे, बार बार बोलूंगा, बार बार याद ही करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो कितने स्तर होते हैं, यहां पर कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। तो यहां पर जो टाइम आइसोलेट है वो दो प्रकार से होते हैं दोस्तों। अब यहां पर पूछा कि टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर, सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया है सीसी में टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होते हैं, तो टाइम आइसोलेट के कितने स्तर होंगे दोस्तों, दो स्तर होंगे, कितने स्तर होंगे, दो स्तर होंगे, एक तो T1 एक होता है T2, ये दो स्तर होते हैं टाइम आइसोलेट के। अगर यहां पर बात करें सामान्य एकल की, यानी कॉमन आइसोलेट की, सामान्य एकल की बात करें तो सामान्य जो एकल हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं साथियों, और पहला प्रकार कौन सा है, स्थान पक्ष से पहले, स्थान पक्ष से पहले, स्थान पक्ष से पहले, पहला प्रकार स्थान पक्ष से पहले, दूसरा प्रकार स्थान पक्ष के बाद, और दूसरा तीसरा आता है काल पक्ष के बाद, काल पक्ष के बाद, क्या आएगा साथियों, काल पक्ष के बाद, है ना, ये
जो T1 है दोस्तों, यह अपने ईयर, दिन, शताब्दी, वर्ष, वो समय T1 में आएगा। और T2 यह चलता है मौसम के अनुसार, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, बसंत ऋतु, मौसम के अनुसार, मौसम अनुसार, मौसम अनुसार किसके अनुसार चलते हैं साथियों? मौसम के अनुसार चलते हैं, ठीक है। और सामान्य एकल की जो पहचान हुई है सीसी में, वो कौन से एडिशन में हुई है? फोर्थ एडिशन में हुई है। फोर्थ एडिशन 1952 में आया था। सामान्य उपविभाजन के नाम में पहचान हुई थी। और पांचवे एडिशन में ये किस नाम से जाना गया? सामान्य एकल के नाम से। किस एडिशन में? पांचवे एडिशन में। या पांचवा एडिशन कब आया? 1957 में आया। और इसमें और ये दो भागों में डिवाइड हुआ था, एसीआई पीसीआई के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म निम्न में से किस सेवा का हिस्सा है? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। नीता जोशी, सिंपल कुमारी, अरविंद, सुमित, पूनम, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, फीडबैक मैकेनिज्म किसका हिस्सा है? एसडीआई, ठीक है। किस सेवा का हिस्सा है? एसडीआई सेवा का हिस्सा है। एसडीआई सेवा किसके द्वारा दी गई? एचपी लुहान के द्वारा दी गई। और कब दी गई? 1961 में। कंप्यूटर के स्वरूप में दी गई। किस स्वरूप में दी गई? कंप्यूटर के स्वरूप में दी गई। इसमें दोस्तों जो इसके कार्य हैं, इस कार्य में ही ये चीजें आती है दोस्तों, ठीक है। कार्य में पहले तो उपयोगिता की प्रोफाइल, उपयोगिता ये याद रख लेना, टॉपिक ये एग्जाम में पूछते हैं। उपयोगिता की प्रोफाइल बनाते हैं दोस्तों, उपयोगिता की प्रोफाइल। फिर बनाएंगे सेकंड नंबर पे प्रलेख प्रोफाइल, प्रलेख प्रोफाइल, प्रलेख प्रोफाइल, ठीक है दोस्तों, प्रलेख प्रोफाइल। फिर क्या करेंगे दोस्तों? तीसरे नंबर पर मिलान। क्या करेंगे साथियों? मिलान करेंगे, है ना दोस्तों। फिर अधिसूचना भेजेंगे, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, अधिसूचना, ठीक है। अधिसूचना, अधिसूचना के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? फीडबैक आ जाएगा। पांचवे नंबर पे क्या आ जाएगा? फीडबैक आ जाएगा दोस्तों, फीडबैक। और सिक्स नंबर पे क्या आएगा साथियों? सिक्स नंबर पर क्या आएगा? पाठक की प्रोफाइल में संशोधन, पाठक प्रोफाइल, पाठक प्रोफाइल संशोधन, ठीक है। पाठक प्रोफाइल संशोधन आ जाएगा दोस्तों। फिर पाठक की समस्या का समाधान, पाठक की सातवें नंबर का समस्या का समाधान, समस्या समाधान, ठीक है साथियों। और सीएस सेवा, नवीन जानकारी उसे अपडेट रखना, वो क्या कहलाए? सीएस सेवा। और ये चयनित ये सूचनाओं का चयन किया जाता है और चयन करके उपयोगताओं तक पहुंचाई जाती है, वो कहलाती है एसडीआई सेवा। अरे आ रहा है समझ में? स्पीड तो तेज नहीं है ना, स्पीड तो तेज नहीं, तेज हो तो बता देना दोस्तों, और कम हो वो भी बता देना, और तेज कर दूंगा, ठीक है। अगला है नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन, ये परिभाषा किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई थी ईसी रिचर्डसन के द्वारा। ईसी रिचर्डसन, रिचर्डसन के द्वारा नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन, ये परिभाषा इसके द्वारा दी गई दोस्तों। अब दोस्तों नोटेशन की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? नोटेशन, नोटेशन, नोटेशन को हिंदी में बोलते हैं अंकन। क्या बोलते हैं साथियों? अंकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकन बोलते हैं। और दो नोटेशन की जो जरूरत महसूस की वो किसने की? मेलविन डेवी ने। किसने की दोस्तों? मेलविन डेवी ने जरूरत महसूस की। किस पद्धति के लिए? डीडीसी पद्धति के लिए। और डीडीसी पद्धति कब आई? 1876 में। और सर्वप्रथम जो अंकन का जो प्रयोग किया गया था वो डीडीसी में। डीडीसी
डीडीसी में, मेलविन डेवी ने डीडीसी में 1876 में जरूरत महसूस की, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, नोटेशन दो प्रकार का होता है, यानी अंकन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार आता है शुद्ध अंकन। क्या आता है? शुद्ध अंकन। पहला प्रकार क्या आ जाएगा? शुद्ध अंकन। दूसरे प्रकार की बात करूंगा, दूसरा जो प्रकार आएगा मिश्रित अंकन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिश्रित अंकन आ जाएगा। एक ही प्रकार के प्रतीक चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है वो तो शुद्ध अंकन कहलाता है, और जिसमें एक या दो दो अधिक प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो मिश्रित अंकन कहलाता है दोस्तों। सीसी कौन सी है? मिश्रित है दोस्तों। यूडीसी कौन सी है? वो भी क्या है दोस्तों? मिश्रित है। एलओसी कौन सी है? वो भी मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। आगे मैं बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का नवीन संस्करण कितने भागों में आया? तो नवीन संस्करण तीन भागों में आया दोस्तों। एनसाइक्लोपीडिया का प्रथम एडिशन 1968 में आया। कब आया? 1968 में आया। कब आया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का फर्स्ट एडिशन? 1968 से 1971, यानी 4 साल तक प्रकाशित हुआ था। कितने साल तक? 4 साल तक प्रकाशित हुआ था। और इसका जो 15वां एडिशन था, 15वां एडिशन 1974 में आया। कब आया? 1974 में आया था। और कितने भागों में था दोस्तों? तीन भागों में। फिर इसमें कुछ संशोधन हुआ दोस्तों। फिर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के आगे क्या लग गया? न्यू, यानी न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नाम से प्रकाशित हुआ। और इसके कितने भाग हो गए? चार भाग हो गए। और चौथा नंबर का भाग कौन सा जुड़ गया? इंडेक्स वाला पार्ट जुड़ गया था दोस्तों इसमें। आगे बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेसिस इंडेक्स पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई? तो प्रेसिस जो विकसित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? डेरिक होस्टिन के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? डेरिक होस्टिन के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? डेरिक होस्टिन के द्वारा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिस पद्धति किसके द्वारा सॉरी, तो किसके द्वारा? डेरिक वॉस्टन के द्वारा। और कब अस्तित्व में आए दोस्तों? 1968 में अस्तित्व में आए। कब आए? 1968 में। क्या आई? ये अस्तित्व में आए। और 1971 में बीएनबी ने प्रथम बार प्रयोग किया गया, 1971 में, ठीक है। 1971 में प्रेसिस इंडेक्सिंग पद्धति का जो प्रयोग किया था वो बीएनबी ने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग। सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो बीएनबी ने किया था 1971 में। आगे मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की, डबलिन कोर क्या है? तो डबलिन कोर क्या है दोस्तों? मेटा डेटा है और 15 एलिमेंट का ये समूह होता है। 15 तत्व होते हैं दोस्तों इसमें, 15 एलिमेंट होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 15 होते हैं दोस्तों, जिसमें 15 में से जो डबलिन कोर जो उसके नाम है, टाइटल, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटर, पब्लिशर, कंट्रीब्यूटर, डेट, टाइप, फॉर्मेट, आइडेंटिफाई, सोर्स, लैंग्वेज, रिलेशन, कवरेज, राइट्स, ये 15 एलिमेंट होते हैं दोस्तों इसको इसके। तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डबलिन कोर क्या है? तो मेटा डेटा है दोस्तों, ठीक है, एक प्रकार का समुच्चय है ना। आगे मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आता है, बीएनबी की आवृत्ति क्या है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी की जो फ्रीक्वेंसी पूछी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है साथियों? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? साप्ताहिक हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? साप्ताहिक हो जाती है, ठीक है। बीएनबी को जो कब स्थापित किया गया? 1949 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1949 में स्थापित किया गया। और इसको जो पब्लिश किया गया, यानी प्रकाशित प्रकाशित किया गया था साथियों, 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में प्रकाशित किया गया था। आगे मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है, आइजलिक बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? बताइए आइजलिक बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो यहां पर साथियों, आइजलिक की जो बुलेटिन की आवृत्ति है वो क्वार्टरली है। क्वार्टरली मतलब हिंदी में बता देता हूं आपके लिए, त्रैमासिक। क्या है साथियों? त्रैमासिक, ठीक है।
आइजलिक की जो आवृत्ति क्या है दोस्तों, त्रैमासिक है दोस्तों। और आइजलिक बुलेटिन कब से प्रकाशित की जा रही है, आइजलिक बुलेटिन ये 1955 शायद यही होगा कंफर्म, थोड़ा सन दिमाग से निकल गया है तो साथियों ये थोड़ा ध्यान में नहीं है, इसमें मैं कंफर्म करके बता दूंगा। अगर आइजली की स्थापना पूछे तो 1955 एसएल होरा की अध्यक्षता में है ना, इन्होंने क्या की थी, स्थापित की थी। आगे मैं बात करूंगा, अगला जो क्वेश्चन है, ग्रंथना निम्न में से किस संस्था का आधिकारिक प्रकाशन है, तो बताइए ग्रंथना दोस्तों किसका है, RRRLF का, यानी राजा राम मोहन राय का आधिकारिक प्रकाशन है, आधिकारिक प्रकाशन है दोस्तों। और इसकी स्थापना हो जाती है 22 मई 1972 को क्या हो जाती है साथियों, स्थापना हो जाती है किसकी स्थापना हो जाती है, राजा राम मोहन राय की। इसके अलावा यूजीसी कब अस्तित्व में आया, यूजीसी की स्थापना कब हुई, 1953 में, और संवैधानिक रूप से कब, 1956 में। डेसीडो की स्थापना 1970 में की गई थी साथियों, और निस्कॉम कब अस्तित्व में आया, 2002 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। आगे बात करूंगा, लाइब्रेरी सेस का निम्न से किसके साथ संबंध है, तो किसके साथ है दोस्तों, किसके साथ है, पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, यानी कर, ठीक है। 19 अधिनियम पारित हो गए पता ही आपको, और पहला जो अधिनियम पारित हुआ था 1850 में हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है। आगे बात करूंगा, अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक वारंट, लिटरेरी वारंट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया, विंदे हुलमे के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है, वेरी गुड शाबाश, विंदे हुलमे के द्वारा किया गया। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, डीडीसी का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण कौन सा है, नवीनतम यानी एब्रिज एडिशन पूछा है तो एब्रिज एडिशन बताना है दोस्तों, एब्रिज एडिशन बताना है तो एब्रिज एडिशन नवीनतम पूछा है तो नवीनतम कौन सा है साथियों, 15वां एडिशन सॉरी 15वां एडिशन एब्रिज एडिशन है दोस्तों। और 15वां एडिशन कब आया था, 2012 में आया था, नवीनतम जो एब्रिज एडिशन कब आया था, 2012 में आया था। अरे फर्स्ट की बात कर ले, फर्स्ट एडिशन कब आया था एब्रिज, तो 1895 में आया था, कब आया था, 1895 में आया था। डीडीसी के कुछ कुल कितने एब्रिज संस्करण है, 15 एब्रिज संस्करण है। अगर बात करें डीडीसी के जो नॉर्मल जो संस्करण है, कितने संस्करण है, 23 संस्करण है। 23 संस्करण में जो पहला संस्करण कब आया, 1876 में आया था, और लास्ट वाला जो 23वां संस्करण आया था ये 2011 में आया था, कब आया था, 2011 में आया था। और जो इसका जो 15वां है वो रिवाइज एडिशन था इसका, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक 1 वॉल्यूम में थे, 16वां 2 वॉल्यूम में आया था, और इसके अलावा 18वां 3 वॉल्यूम में आया था, 20वां 4 वॉल्यूम में आया था दोस्तों डीडीसी का। आगे बात करूंगा मैं, डीडीसी के ऑनलाइन संस्करण को किस शीर्षक के तहत जारी किया गया है, बताइए टाइटल क्या था डीडीसी के ऑनलाइन एडिशन का, बताना है आपको टाइटल बताना है साथियों, टाइटल बताना है दोस्तों, टाइटल क्या है, ऑनलाइन संस्करण का, तो ऑनलाइन जो एडिशन है दोस्तों डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण का, इसका टाइटल बताना है तो टाइटल क्या है, डेवी वेव डेवी, किस नाम से वेव डेवी के नाम से, वेरी गुड ललन सिंह, आनंदिता, सुमित, अरविंद, पूनम, गौरव, हेलो सर जी बहुत टाइम से क्लास लाइव नहीं लिया दोस्त, 2 दिन का ऑफ ले लिया था हमने,
एक घर की खेती है, ठीक है, जब चाहे जब उप ले सकते हैं, ठीक है, फ्री रहते हैं तो आपके सामने आ सकते हैं। तो वेब डेवी यानी वेब डेवी ऑनलाइन जो संस्करण है कब आया? 2000 में आया। कब आया? 2000, सन 2002 में, सॉरी सन 2000 में। ये याद रखना है दोस्तों। अगर बात करें पहले इलेक्ट्रॉनिक एडिशन की, इलेक्ट्रॉनिक डेवी, इलेक्ट्रॉनिक डेवी की बात करें तो ये कब आया था? 1993, 1993 में आया था दोस्तों। बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एडिशन किस नाम से आया था, तो आया था डेवी फॉर विंडो के नाम से 1996 में। कब आया? 1996 में आया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे लगे दोस्तों, कलेक्शन अच्छा था आज के क्वेश्चन का, कमेंट के माध्यम से बताओगे। सर अब आपकी क्लास में बहुत ज्यादा मजा आता है, अब काफी फास्ट हो गई है दोस्तों, धीरे धीरे स्पीड बनेगी, धीरे धीरे स्पीड बनेगी। अभी तीन चार क्लासें हुई है और धीरे धीरे इस क्लास को बहुत तेज गति प्रदान करूंगा दोस्तों, ताकि आपके लमसम 50-60 क्वेश्चन हो जाए दोस्तों। अभी शुरुआत की है तो मैं भी, शुरुआत की है ना तो मैं भी जल्दी से थक जाता हूँ, तेज तेज बोलता हूँ, थक जाता हूँ। अब आदत पड़ जाएगी तो 50-60 क्वेश्चन अपन आराम से निकाल देंगे मात्र 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन निकालेंगे, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, और उसके आसपास की डिटेल में क्या करूंगा, आप लोगों के कवर करूंगे। जिसने पढ़ रखा है उसके तो आराम से समझ में आएंगे, और जिसने लाइब्रेरी साइंस नहीं पढ़ रखी, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रखा, उसके क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, देखना छोड़ दो, ठीक है। पहले लाइब्रेरी साइंस पढ़नी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे। वेरी गुड ललन सिंह बालांजिक, थैंक यू सो मच सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, वेलकम वेलकम। नवाब साहब बोल रहे सर आज ही क्वेश्चन आया था और पेपर में, वो आज ही में गलत करके आ गया। देखो फायदा मिलता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन देखते हो जो, अगर टेस्ट शीट रोज देखते हो फायदा मिलता है। अगर आज उनके पहले क्वेश्चन आ गए, अगर आज ये क्लास देखे कल पेपर होता तो गलत नहीं करते। स्पीड ठीक है, अच्छा, ब्रिटेनिका क्या बोला था मैंने? कहीं गलती हो गई या? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर 1768 कर लो साथियों, 1768 कर लो, गलती हो जाती है दोस्तों, स्पीड ज्यादा हो जाती है, भावनाओं में भेजाता हूँ दोस्तों, है ना, पढ़ाता पढ़ाता। इंग्लिश में भी करने की कोशिश करेंगे साथ ही आपके लिए, ओके। अरे जिसने बुक नहीं है वो बुक ले लेना दोस्तों, है ना, बुक बहुत जा रही है मार्केट अब अपनी, आप लोगों का प्यार मिल रहा है ना। बुक लेने के लिए आप इस नंबर पर मेरे मैसेज डाल सकते हो, जिसको बुक लेनी हो, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और दम लगा के मेहनत करो साथियों, पूरा जोड़ लगा दो तैयारी में, 100 क्वेश्चन तो डेली निकालो, रटने लग जाओ तरीके से, सिलेबस पढ़ रखा है तो क्वेश्चन रटने लग जाओ। लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चन है मुंह से निकलेंगे ऑटोमेटिक, मुंह से आंसर निकलेंगे आप लोगों के, है ना। और आइज लीग बुलेटिन का एक मित्र बता रहे हैं 1956 बता रहे हैं आइज लीग बुलेटिन, ठीक है, मेरे ध्यान से निकला हुआ है, एक बार मैं देखूंगा फिर कन्फर्म बताऊंगा आप लोगों के लिए, 1956 होना चाहिए, है ना, या आइज लीग बुलेटिन आया आवर्ती 1956, एक बार मैं चेक करूंगा इसको, देखूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर करने की कोशिश किया करो,
स्टेटस लगाया करो, है ना, और लाइक कर दिया करो दोस्तों, है ना। तब तक के लिए राम राम।